एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस, इट्स मी आकाश केसरी एंड इट्स माय यूट्यूब चैनल आकाश केसरी ब्लॉग। गाइस कैसे आप सभी, होप सभी मेरे यूट्यूब फैमिली मजे में होंगे। बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ क्योंकि बहुत दिन के बाद अपने गांव अपने पापा के शहर जा रहा हूँ जो है बांका डिस्ट्रिक्ट में मुंसिया में। सो गाइस मेरी जो ट्रेन है वो है करीब 11:55 में और अभी टाइम हो रही है 10:50, अभी भी मुझे 1 आवर वेट करना होगा राजेंद्र नगर स्टेशन में। सो वीडियो पे कंटिन्यू लास्ट तक रहिएगा, मैं वीडियो को पूरा दिखाऊंगा और अपने गांव भी घुमाऊंगा आप सभी को। सो वीडियो पे कंटिन्यू लास्ट तक रहिएगा और मस्ती में रहिएगा। ओके लेट्स स्टार्ट माय वीडियो। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। सो गाइस आप जितने भी लोग देख रहे हैं ये सारे बांका इंटरसिटी के लिए वेट कर रहे हैं। बाप रे आज कुछ ज्यादा ही भीड़ है ट्रेन में। अच्छा वो मैंने रिजर्वेशन तो करवा ली है, वैसे दिक्कत नहीं। फाइनली अपनी सीट पे बैठ गया हूँ और ट्रेन कुछ ही देर में खुलने वाली है। सो एंजॉयिंग द जर्नी, सो मैं जर्नी पे बने रही है। तो गाइस फाइनली मैं ट्रेन जो खुल चुकी है राजेंद्र नगर से और चला सो मैं इससे मिलते हैं कल। तब तक बने रहिए मेरे ब्लॉग। द नेक्स्ट डे। सो गाइस फाइनली पहुंच गया अपने गांव पुंसिया। सो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सफर बड़ी ठंडा दायक था भाई। सो मिलते हैं अब रास्ते में। सो गाइस वेरी फ्रेश गुड मॉर्निंग टू एवरीवन गाइस। सो फाइनली पुंसिया पहुंच गया और यहाँ की ठंडी बड़ी है भाई, बड़ी ठंडी लग रही है यार। रास्ता पर सोया नहीं हूँ, रास्ता पर इतनी ठंडी हवा चल रही थी यार, प्लस साइड लोअर सीट मिल गया था तो इतना ज़्यादा ठंडा लग रहा था कि पापा ने बोला था कि ले लेना एक चादर ले लेना। मैंने चादर वगैरह कुछ नहीं लिया, मैंने सोचा कि इतना भी ठंडी नहीं है, लेकिन यार कब कपात यह हालत। यहाँ तो इतनी ठंडी नहीं है लेकिन ट्रेन में यार इतनी ज़्यादा हवा लग रही थी कि क्या बताऊँ। तो रास्ता में दिखाता हूँ, पुंसिया मोस्टली टोटली चेंज हो गया है गाइस। पहले स्टेशन नहीं था तो अब पुंसिया हार्ट स्टेशन भी बन गया है और यहाँ पे नया नया चीज़ सब भी खुल गया, मुझे खुद नहीं पता क्या क्या। सो देखता हूँ आगे क्या क्या है नहीं है, क्या क्या न्यू डेवलपमेंट हुआ है मेरे गाँव में। सो गाइस इतनी सारी बिल्डिंग बन गई है मुझे पता भी नहीं है यार, ये पुंसिया पूरा चेंज हो गया। पहले ये सारा वैसे कोई भी बिल्डिंग नहीं था अगल बगल, ये अभी इतनी सारी सारों और बिल्डिंग की बिल्डिंग बन गई है भाई। मैंने तो सारे खप्पड़ के घर थे, क्या हो गया। करीब मैं पुंसिया करीब 6 साल बाद आ रहा हूँ। यस आई एम राइट, 6 साल बाद आ रहा हूँ पुंसिया। सारी चीज बदल गई यार। बिहार में आके बस एक ही चीज अच्छा लगता है, यहाँ की हरियाली। देख सकते हो ना कितनी हरियाली है भाई, एकदम मस्ती में रहता है यार बिहार के लाइफ।